वेलकम बैक, मैं हूँ सिजाद, मैं हूँ हसन। आई नो ये इन दोनों का इकट्ठा ही आना है। अच्छा चलें, आज का जो वीडियो है वो है जी इंडिया फॉरवर्ड टू इंक्रीज पावर विद रशिया चाइना, ओके ब्रिक्स वर्सेस यूएन वेटो। अच्छा जी ये तो मतलब इंक्रीज रशिया के साथ और चाइना के साथ भी, चाइना रशिया के पास है ना वीटो की पावर। इंडिया इंक्रीज, तो एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई है और दुनिया भी देखना चाहती है कि भारत किस तरीके से अमेरिका के द्वारा संचालित नाटो जैसे ताकतवर देश के संगठन में शामिल होने वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और रूस ने चीन के साथ मिलकर जियोपॉलिटिक्स की पावर स्टेशन को इस तरीके से चेंज किया कि नाटो जैसे ताकतवर समूह में शामिल देश जिनके पास अकूत मिलिट्री पावर है, वह देश अब भारत, रूस और चीन के द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रख रहे हैं और नाटो जैसे संगठन को छोड़कर भारत के पास आना चाहते हैं, क्योंकि भारत और रूस जैसे देशों ने मिलकर ब्रिक्स को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि यह ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे नाटो को टक्कर देने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में रूस और भारत की चर्चाएं इसलिए फैल गई हैं क्योंकि अब तुर्की ने यह फैसला ले लिया है कि वह नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होगा और उन्होंने इसका प्रस्ताव भी सामने रख दिया है। आखिर ब्रिक्स, नाटो और वीटो पावर क्या है और भारत, रूस ने चीन के साथ मिलकर ऐसा कौन सा खेल कर दिया है जिससे तुर्की ने नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला ले लिया है, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत किसी भी प्रस्ताव को अपने आप रोक सकता है, फिर चाहे कोई भी देश उस पर राजी हो या फिर ना हो। यानी कि देखा जाए तो वीटो एक प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है जिससे वीटो पावर वाले देश अन्य देशों के अपेक्षा कई फैसले बिना किसी की राय सलाह लिए ले सकते हैं। और इस समय केवल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। और यह 5ों देश अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे UNSSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। इसलिए भारत को भी वीटो पावर मिलने के लिए यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना था। हालांकि इसमें रूस, सिंगापुर और कुछ अन्य कंट्रीज ने तो भारत का काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि भारत को वीटो पावर किसी ना किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। यहां तक इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने खुद कोशिश किया कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए ताकि भारत को वीटो पावर मिल जाए। यहां तक कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने यह तक कोशिश कर डाली कि ब्रिटेन से यूनाइटेड नेशन में उसकी सीट खाली कराकर भारत को दे दी जाए, क्योंकि भारत जिस तरीके से आर्थिक कामयाबी कर रहा है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है, ऐसे में भारत के पास वीटो पावर तो होना ही चाहिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका को भी शायद यह बात खटक रही होगी कि उन्हें भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए थी और भारत को नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन और नाटो से ज्यादा अब भारत के ब्रिक्स की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और साउथ कोरिया 5 देशों का समूह था। इसके बारे में कहा जाता था कि विकासशील देशों का यह समूह आने वाले समय में विकसित देशों की चिंता बनेगा, और पिछले कई सालों से 5ों बड़े देश एक समूह बनाकर रह रहे हैं। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इसका एक अलग ही लेबल बना दिया, जिसका एक समूह तो ब्रिक्स है और इसका दूसरा समूह है SSCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत और चीन ब्रिक्स के तो मेंबर हैं ही, साथ ही SCO के भी मेंबर है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है,
जिसके कारण रूस को आगे बढ़ने और साथ ही भारत और चीन को आगे ले जाने के लिए भारत रूस के लिए बैसाखी की तरह काम कर रहा है। इसलिए रूस ने भारत और चीन को मिलाने में कामयाबी हासिल की है ताकि भारत और चीन आपस में ना लड़े और सभी देश मिलकर आगे बढ़ सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जैसे ही रूस चीन और भारत के बीच मीटिंग हुई, वैसे ही दूसरी तरफ एस जयशंकर ने यह बात बताई कि चीन के साथ जो 75% भारत का डिसएंगेजमेंट है वह सॉल्व हो चुका है और चीन की सेना जो लद्दाख की एक एक इंच जमीन हड़पने को तुली हुई थी वह भी पीछे हट चुकी है। और जैसे ही तीनों देशों के आपस में मिलने की खबर आई, उसके तुरंत बाद यह जानकारी दुनिया भर के देशों में फैलना शुरू हो चुकी है कि नाटो का एक मेंबर उसे छोड़कर भारत के ब्रिक्स में शामिल हो रहा है। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो बड़ी महाशक्तियां थीं, लेकिन दोनों देशों में इस बात की लड़ाई होने लगी कि हम युद्ध तो जीत गए लेकिन हम में से लीडर कौन बनेगा। इसे डिसाइड करने के लिए जिस तरीके से लोग मुर्गी लड़ाकर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, उसी तरीके से सोवियत रूस और अमेरिका दोनों दूसरे देशों को आपस में लड़ाकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते रहे, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। तो इस समय अमेरिका ने अपने हितों की सैन्य रक्षा के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम था नाटो, और इस समूह में शामिल 32 देशों ने संकल्प लिया कि अगर इनमें से किसी देश पर अन्य देश ने हमला किया तो हम 32 देश एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। यानी कि नाटो की यह विशेष ग्रुप इसे सैन्य गठबंधन बनाता है। ये 32 देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं 32 देश में एक का नाम है तुर्की, जो कि यहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इतना कुछ किया तो सोवियत रूस कैसे शांत बैठ सकता था, और सोवियत रूस ने 8 देशों का एक सैन्य संगठन बनाया जिसे वर्षा नाम दिया गया। लेकिन इस कोल्ड वॉर में सोवियत रूस धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और अमेरिका लीड करता चला गया, जिससे 1991 में रूस का पतन हो गया और सोवियत रूस टूटकर 15 देश में अलग अलग बंट गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस बना। फिर उसने भी बहती गंगा में हाथ धोया और रूस ने अमेरिका जैसी वेस्टर्न कंट्रीज की राह पर काम करके अपने देश में कई सारी कंपनियों को बढ़ाकर एक नई ताकत बनना शुरू कर दिया। और यहां पर रूस को ये बात खटकना शुरू हो गई कि हम भी कभी इतनी बड़ी ताकत हुआ करते थे और आज के समय में अमेरिका से पीछे चले गए, जिसके कारण कई साल पहले रूस ने ब्रिक्स और एसएससीओ जैसे संगठन की शुरुआत की, जिसमें भारत भी रूस के साथ इक्वल पार्टनर अभी तक बना हुआ है। लेकिन अब रूस के लिए भारत बैसाखी की तरह काम कर रहा है, जिससे ब्रिक्स काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। अगर इस मैप में देखें तो इसमें इंडिया, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ कोरिया, यह पांचों कंट्रीज रेड कलर से हाइलाइटेड है, जो कि ब्रिक्स संगठन के सबसे पुराने मेंबर है। और बाकी की जो कंट्रीज ग्रीन कलर में दिख रही है, ये पिछले साल ब्रिक्स के नए मेंबर बन चुके हैं। और बाकी के जो येलो कलर वाले कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। लेकिन इसी बीच तुर्की देश सामने आता है और ब्रिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रखता है, जो कि ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। यानी कि इससे यह बात जाहिर है कि ब्रिक्स सीधे तौर पर नाटो जैसे बड़े संगठन की तरह मजबूत हो रहा है, और आने वाले समय में ब्रिक्स में शामिल भारत जैसे विकसित देश विकासशील देश पर भारी पड़ने जा रहे हैं। यानी कि चाहे भारत को वीटो पावर मिले या ना मिले, बिना वीटो के भी पावर सेंटर हमारे देश में और एशियन कंट्रीज की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल आप लोगों का ब्रिक्स के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ओके हाँ जी, अच्छा सिंगापुर ने जो कहते हैं काफी कोशिश की है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। मिल भी सकती है। हाँ। और बाकी ये अमेरिका खुद नहीं चाहता अभी, अमेरिका नहीं, असल हाँ। में अब ब्रिक्स और नाटो जो है ना, इनका अब दो ग्रुप है। मतलब आप कह लो कि किसी कॉलेज में आपने देखा होगा कि दो ग्रुप होते हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक है, उसके मेंबर होते हैं। तो लोग जो है कोई उसके सपोर्ट कर रहा होता है, कोई उसकी कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो सिलसिला है और इंडिया को जो सूट करता है ना, वो ब्रिक्स है।
ब्रिक्स है और टर्की अगर उधर से इधर आ रहा है तो इट मींस कि नेटो कमजोर हो रहा है, ब्रिक्स जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। ये तो मतलब कोई भी देश है, कोई भी देश हो, वो तुर्की की बात नहीं है, वो कोई भी दुनिया का देश हो तो वो डेफिनेटली उस तरफ ही जाएगा जो स्ट्रांग चीज होती जाएगी। और इन मेंबर ब्रिक्स के देखे जाए तो वो चाइना था, ये सारे मतलब चल रहे हैं ना, ब्राजील, रशिया, मतलब इंडिया, चाइना, बाकी दूसरा जो है अभी और इसमें ऐड होने हैं। अभी बात तो ये भी आ रही थी कि वो अभी लगे हुए हैं, अप्लाई किया हुआ है उन्होंने कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है। अभी इधर वीडियो में नहीं दिखाया लेकिन पाकिस्तान भी, जब इमरान खान का टाइम था ना, दौर था, तो ये बड़ी बात हाईलाइट थी और बड़ी इसके ऊपर चीजें चल रही थी कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। अच्छा बाकी अब देखो कि वो कहां तक होता है आगे, या होता है या नहीं होता। मतलब ब्रिक्स फिर ऊपर जाता जा रहा है, नाटो कमजोर होता जा रहा है। और फॉर एग्जांपल दोनों जो ग्रुप हैं, अगर एक ग्रुप के, अब जैसा कि आपने देखा कि होगा कि अभी वार चल रही थी और बहुत सारे देशों की, और उसमें जैसे कि ये रशिया की वार थी, तो उसमें नाटो जो है वो आपको पता होगा कि उधर से सपोर्ट कर रहा था, जो मतलब अमेरिका है उसकी सपोर्ट आ रही थी कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और रशिया को तो, रशिया का वार हो, चाइना का वार हो, तो डेफिनेटली उसके ओपोनेंट जो भी होंगे अमेरिका ने उसको सपोर्ट कर, अमेरिका ने उसको सपोर्ट कर, चाइना और रशिया को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी इंडिया सपोर्ट करता है रशिया को, इंडिया इंडिया की रशिया के साथ काफी इंडिया सपोर्ट करता है और बाकी भी सारे। अच्छा हमारा ये जो किता है इसमें हमें जरूरत भी तो इन्हीं देशों की है ना, हमें इंडिया की जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, हमें रशिया की है, हमने ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने हैं, अफगानिस्तान के साथ, ये जो हमारे साथ साथ है इनके साथ आपके अच्छे होंगे तो आप ग्रो करोगे, आपके अच्छा रहेगा। वो अमेरिका कहाँ बैठा है उसके साथ तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल चले आगे देखते हैं जी। मुझे लगता है कि और ब्रिक्स का नाम चेंज होकर कुछ और होगा, क्योंकि अब आगे देखो क्या क्या होता है ब्रिक्स में, और कौन कौन से कंट्री जो है वो शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि अभी काफी कंट्री जो है वो जो पेंडिंग पर पड़े हुए हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। चलें जी बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।